मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालागढ़ रोड देहरादून स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन विभिन्न राज्यों के परंपरागत हस्तशिल्प और लोक कलाओं को प्रभावी मंच प्रदान करने के साथ ही उनके संरक्षण के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे आयोजन बुनकरों और कारीगरों को उत्पादों के विपणन के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे लोक कला और हस्तशिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि आयोजन उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। यह आयोजन राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक लोक कला को भी पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसके लिए सभी को सहभागी बनना होगा। राज्य सरकार के अनेक प्रस्तावों पर ओएनजीसी द्वारा सहयोग किया जा रहा है। ओएनजीसी ने स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में राज्य सरकार को सहयोग दिया जा रहा है। इस अवसर पर रीच फाउंडेशन के प्रबंधक आर के सिंह, ओएनजीसी के सीएमडी आर के श्रीवास्तव, डायरेक्टर पंकज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। We'll be right back.